पे आपका ब्लू कार इस तरीके से हवा के साथ रूबरू हो, क्या आप चाहते हो कि आपके गेम के लंबोर्गिनी इस तरीके से आसमान पे बिल्कुल फ्लाइंग जेट के जैसे उड़े? क्या आप चाहते हो गेम पे अपने किलफ्रेड के एनिमेशन को चेंज करना? या फिर क्या आप चाहते हो गेम पे पानी के अंदर आप भाग सको? और क्या आपको ट्रोगन के लॉन्चर से भी हेडशॉट मारना? अगर आपको सब कुछ जानना है तो फिर चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 मिथबस्टर्स इन फ्री फायर। ट्रोगन के ग्रेनेड से हेड भी लगते हैं 1% पीपल नो। आप सभी को बताओगे ट्रोगन में दो मोड होता है, एक होता है अपना शॉटगन मोड और दूसरा होता है अपना ग्रेनेड मोड, जिसमें अपने को चार ग्रेनेड मिल जाते हैं, मतलब लाइक वो लॉन्चर जैसा काम करता है। बट उससे हेडशॉट मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं मारा। और देखते हो मेरे सामने है मेरा दोस्त, वैसे वो अभी इनविजिबल है, ये ग्लिच था, वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो पिछला वाला वीडियो चेक कर लेना। पर अब अपन जो कर रहे हैं इससे हेडशॉट मारने का, वो कैसे यार? यहाँ पर मैं मारने का कोशिश तो कर रहा हूँ उसके सर के एम पे, देखो मैं लेके मार रहा हूँ। अगर मैं उसको शॉटगन के हिसाब से मारता हूँ तब तो लग जाता है, बट यार मुझे इसको ना ग्रेनेड के हिसाब से मार रहा है। रुको एक काम करते हैं, मैं ना हेडशॉट का जो एरिया, ओए ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, अब मेरे को इसको थोड़ा सा बस, अरे ये तो इधर से उधर चला गया। अब यहाँ पर नहीं नहीं इस वाले जगह पे, ओए क्या हो रहा है अब? अरे भाई उसके सर के आर पार चला जा रहा है। रुको, ओए भाई इस बारी देख सकते हो 550 का हेडशॉट लगा, मतलब कि लॉन्चर से भी आप ट्रोगन के ग्रेनेड से भी हेडशॉट लगा सकते हो और वो 550 का लगता है भाई, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वैसे मुझे कमेंट बताना कि क्या आप लोगों ने कभी ट्रोगन के लॉन्चर से किसी को हेडशॉट मारा है? अगर हाँ तब तो भाई आप हैक करो। एक मिनी पैच के बाद अब मॉन्स्टर ट्रक से फायर नहीं कर सकते? अरे यार मॉन्स्टर ट्रक से तो अपन पहले फायर कर सकते थे। इस अपडेट के बाद जब कोई बंदा बैठता था ना तो उसको फायरिंग का सब कुछ सिंबल दिखाई देता था, बट अगर अपन नॉर्मल देखते तो वो नहीं होता। पर यार देखो अब मैं ये शूट जो ना ये अभी थोड़े दिन पहले, एक दो दिन पहले ही करा था, और यहाँ पर भाई देखो मुझे कहीं पर भी फायरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना के जो बाइजन से और ना ही मुझे AK-47 से। देख सकते हो भाई दोनों ही गन मेरे बराबर थे, पर भाई यहाँ पर मैं अभी नहीं मार सकता मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर से फायर। अब ये तो बड़ी दुविधाजनक बात हो गई। वैसे आप लोग मुझे नीचे कमेंट बताना कि आप लोगों ने तब ट्राई करा था जब गेम पे आप मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर से भी फायर कर सकते थे। अगर हाँ तब तो भाई आप बहुत ज्यादा लकी हो। रुको इसको देते हैं गेम पे ब्लू कार और लंबोर्गिनी को अब एरोप्लेन जैसे उड़ा सकते हो क्राफ्टलैंड पे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे क्राफ्टलैंड पे ऐसा एक मोड मिला जिसपे मेरे गाड़ी का स्पीड ज्यादा है। अब मुझे पता नहीं है गाड़ी का स्पीड ज्यादा होने से क्या मेरा गाड़ी हवा में उड़ सकता है। अब इस चीज को ट्राई करने के लिए मैं आ चुका हूँ क्राफ्टलैंड मोड पे, और मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि पंकज भाई इस मोड पे बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें होते हैं। और देखो यहाँ पर जब अपन ने ये मोड स्टार्ट करा तो अपना ना स्पॉन जो हुआ ये हुआ हैंगर पे। यहाँ पर अपने को कुछ गन्स भी मिल जाते हैं, और साइड पे अगर देखोगे तो हर गाड़ी के अपने को दो दो ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक ब्लू कार यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, रुक ये क्या, यहाँ पर आपको सभी मॉन्स्टर ट्रक मिल जाएगा, जीप मिल जाएगा, लंबोर्गिनी मिल जाएगा, पर जो सबसे क्रेजी चीज मिलेगा वो है गाड़ी का स्पीड। भाई टॉप स्पीड देखो कितना ज्यादा है, 500। ये क्या है भाई, ये गाड़ी है या फिर कोई जेट है? ये क्या, मैं कहां से उड़ा और कहां पे नदी के अंदर आके गिरा? भाई वेट, ये पॉसिबल है फ्री फायर में? तो एक काम करते हैं इस वाले जगह पे एक बहुत ही लंबी एक रैंप टाइप का है। ओए भाई मैं कहां पर, मैंने पूरा का पूरा फैक्ट्री ही क्रॉस कर डाला। मैं डायरेक्टली क्लॉक टावर के वो चढ़ाई से उड़ा, और देख सकते हो मैं अभी कहां पर हूं भाई। ये है मेरा लंबोर्गिनी, पहले मैं ट्राई कर रहा था ब्लू कार के साथ, और अब चलो फिर से एक और बार लंबोर्गिनी के साथ ट्राई करते। ओए भाई ये कम्प्लीटली मुझे टार्जन द वंडर कार जैसा फील दे रहा है भाई। आप लोग इस मोड को जरूर से ट्राई करना, बट रुको उससे पहले मैं इस गेम के वंडर्स और देखता हूँ। भाई साहब ड्रिफ्ट देख रहे हो, कितना लंबा मार रहा है ये, मैं कहां पर से ब्रेक लगाया। ओए भाई देख सकते हो, और ये कितना लंबा दूरी तक ड्रिफ्ट मार रहा है। इस बार देखो मैं बहुत ही लंबा स्कोर करने वाला, लेट्स गो। अरे यार ये शायद से बच जाएगा, यार ये हो गया अपने साथ स्कैम। रुको एक और बार ट्राई करते हैं, ठीक है? ये फैक्ट्री के ऊपर नहीं, इस ब्लू वाली कार ना इसका पावर बहुत ज्यादा है, इसका स्पीड सबसे ज्यादा है। यार देखो ये मैं कहां से उड़ा, और भाई भाई भाई, भाई, भाई ये कितना ज्यादा लंबा डिस्टेंस तय करा यार। मैं सोच रहा हूं अगर
हैकर भी हो ना गेम के अंदर अपने, तो वो भी इतनी जल्दी गाड़ी नहीं उड़ा पाएगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ। रुको, इस बार ना मैं सबसे ज्यादा टॉप स्पीड देखते मेरे 600-700 लग रहे, और भाई इस बार तो ये जेट है, ये गाड़ी नहीं है, ये जेट है, देखना ये डायरेक्टली जाएगा समंदर के अंदर। रुको 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 भाई, मैं ब्रेक मारने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी पलट उलट के भाई ये गया नहीं यार थैंक गॉड भाई। देखिए मैं कहां से आया, क्लॉक टावर से आया, फैक्ट्री उड़ गया, पोचिनॉक उड़ गया और मार्स इलेक्ट्रिक भी उड़ गया भाई। तीन लोकेशन मैंने क्रॉस कर डाले गाड़ी की ऊपर से, मतलब गाड़ी को उड़ाते उड़ाते। इस बार चलो एक और लंबी सी छलांग और भाई ये इम्पॉसिबल है यार, फ्री फायर के नॉर्मल मैप के अंदर तो ये इम्पॉसिबल है। ये क्या हो गया इस बार तो गेम खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाया, पर हाँ ये चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो क्राफ्टलैंड मोड के अंदर। और मुझे पता है हर कोई बंदे को कार रेस करना या फिर कार में ऐसा करना टिप्स एंड ट्रिक्स, ये क्रेजी बग्स जो है, ये ऐसे बग्स नहीं है, ये नॉर्मल गेम मोड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मुझे नहीं लगता ये इतने जल्दी फ्री फायर से जाएगा। रुको एक और ट्राई करते हैं, ये एक बहुत ही लंबी भाई ये क्या है यार, मैं इस मोड का फैन बनता जा रहा हूँ यार, मैं सच में यार ये वाला मोड देखो, मेरा दोस्त अभी ले रहा है ब्लू कार, मैं भी ले रहा हूँ लैम्बो और हम दोनों अभी एक साथ वही चीज कर रहे हैं, अपन दोनों अभी उड़ने वाले हैं। और भाई देखो वो कहाँ गया, वो मुझे दिख भी नहीं रहा है, और मैं देखो अभी आसमान की ऊंचाइयों पर और मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया भाई। ये वाला मोड, ये मिथ, आज का मिथ जो है ना, ये मेरा फेवरेट मिथ। ओए भाई मैं सच में दीवाना हो रहा हूँ यार, ये मोड को देखो कितने ऊपर उड़ रहा है, कितना मजा आ रहा है यार। और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और आपके आईडी को इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्राफ्टलैंड का ये एक मोड है। मैं आपको इस मोड का जो क्या बोलते हैं मैप कोड, वो आपको इसके बाद देता हूँ, ठीक है। रुको ये एक लास्ट झलांग मारते हैं और मैं फैक्ट्री क्रॉस कर गया, वाह यार क्या बात। रुको एक काम करते हैं, मैं ना अपनी फैक्ट्री के ऊपर लैंड करने का ट्राई करता हूँ, क्या वो हो पाएगा, लेट्स गो। मेरे पास अभी है देख सकते हो ये लंबोर्गिनी, और मैं क्या करूंगा फैक्ट्री के ऊपर से ही ना जंप मार दूंगा। चलो अब ये जा रहा है फैक्ट्री के ऊपर से, चलो जंप मारी। ओए भाई देखो मेरा गाड़ी कहाँ पे गया, वो बिल्कुल उधर भाई, कितना दूरी तय करा देख सकते हो गाड़ी। और रुको इस मोड का जो कोड है, ये है इस मैप का कोड, सभी गाड़ियों को ट्राई कर सकते हो, पर ब्लू कार को और लैम्बोर्गिनी को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उन दोनों गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थे, टॉप स्पीड थे वही दोनों गाड़ी। और हाँ बात हो तुम्हारा सौड़ का सचिन, हेंस द मिथ इज कंफर्म। क्राफ्टलैंड पे ज़ॉम्बी हंट मोड पे किलफेड देखना डिफरेंट शो करेगा। देखो क्राफ्टलैंड मोड का मैं आपको ये मैप कोड दे रहा हूँ, और ये कुछ डिफरेंट मैप कोड नहीं है, वो ये वही मैप कोड है जिसमें अपन वो गाड़ी का स्पीड वाला लाए थे, और इस मैप पे भी अपने को ज़ॉम्बी देखने मिल जाते हैं। वो कहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, थोड़े आगे आने के बाद जहाँ पे आपको गाड़ी मिलता है ना, उसी के थोड़ा बैक साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको ज़ॉम्बी देखने मिल जाएंगे। और जब मैं इनको फायर करा और मार दिया, तब मैं देखा कि यार इन लोगों का किलफेड थोड़ा डिफरेंट शो नहीं कर रहा है, मतलब लाइक नॉर्मली अपन जब किसी बंदे को मारता है तो उसका किलफेड डिफरेंट शो करता है, बट जब अपन किसी ज़ॉम्बी को मारते हैं यहाँ पर या फिर इस मैप पे, अगर आप अपने दोस्त के साथ फाइट भी करो तो भी आपको डिफरेंट किलफेड शो करेगा। वैसे मुझे नीचे कॉमेंट में बताना कि आपको गेम का नॉर्मल जो किलफेड है वो ज़्यादा पसंद है या फिर ये नया वाला किलफेड। मुझे लगता है फ्री फायर शायद इसको गेम के अंदर लाने वाला है और यहाँ पे बेटा टेस्टिंग के लिए रखा है, अगर लोगों को पसंद आता है तो शायद से ये भी अपने गेम के अंदर आ सकता है। वैसे नीचे मुझे कॉमेंट बताना कि क्या मैं फ्री फायर को इसके ऊपर कुछ रिव्यू दूं कि क्या वो ये वाले किलफेड को भी गेम के अंदर लाए, अगर हाँ तो यस भाई लिख देना, अगर ना तो नो भाई लिख देना कमेंट पे, ठीक है। आपका कमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। सोशल जोन के अंदर बड़ी सी जो व्हील है उसमें जितने भी बार जाओगे आपके पोस्टर्स उतने बार चेंज होते रहेंगे। अच्छा ये बात ना मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि हाँ यार ये काम करता है। देख सकते हो मैं ये सोशल जोन पे आ चुका हूँ और इस वाले जगह पे ये बड़ी सी व्हील है, और रुको मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे हूँ मैं, कहाँ पे हूँ मैं, किधर चढ़ गया, ओए देख ही नहीं पा रहा था। रुको फिर से एक और बार ट्राई करते हैं, और मैं यहाँ पर हूँ देख सकते हो, मैं ना अभी अपने लेफ्ट के साइड देख रहा हूँ, ठीक है। अब एक और बार चढ़ते हैं, अरे मैं फ्रंट कैमरा साइड को देख रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर देख पा रहे हो ना कौन सा है, वो जो स्ट्रीट डांसर बंडल, ओके ये वाला देख सकते हो अभी आप यहाँ पर। अरे मैं भी राइट साइड को देख रहा हूँ, जो बंदा मेरे सामने है मैं उसको देख रहा हूँ, क्या बात है। मैं इसको एक और बार ट्राई करना चाहूंगा और इस बारी, अरे मैं फिर से लेफ्ट साइड को देख रहा हूँ। हाँ यार मैं तो इसके अंदर जितने भी बार जा रहा हूँ मेरे अभी मैं अपने आप को देख रहा हूँ,
ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया कि हाँ यार बात तुम्हारा एकदम 101% सच है। जितने भी बार आप इस व्हील के अंदर जाओगे आपके पोस्चर्स चेंज होते जाएंगे एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। रुको रुको रुको, आपका उंगली ये स्किप वाले बटन के ऊपर क्या कर रहा है? अभी रुक जाओ भाई, आगे आपको पता चलेगा कि गेम पे आप पानी के अंदर कैसे भाग सकते हो, गेम पे घर के अंदर टॉर्च आप कैसे लगा सकते हो और आपको ये न्यू टाइटल कैसे मिलेगा। गेम के अंदर आपको और भी बहुत ज्यादा ऊट पटांग चीजें भी देखने मिलेंगी कैसे, और उन चीजों को जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ हम ही लाते हैं। हैंगर के लॉन्च पैड से डायरेक्टली रिवर पे जाओ, प्रॉपरली अगर पानी में लैंड करोगे ना फिर देखना पानी में भाग सकते हो। अच्छा चलो मैं अभी पानी पे लैंड तो करा भाई, पर इस वाले जगह पे क्या हुआ, मैं पानी में ना तैरने लग गया। तो यहाँ पर ये क्या, कोई एक बंदा पैराशूट से था पर वो अलग ही डिफरेंट डायरेक्शन को उड़ रहा था। रुको एक काम करते हैं, अभी ना मैं फिर से वही चीज को ट्राई करने वाला और इस बारी ना मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो लॉन्च हो ना वो बिल्कुल सही से लॉन्च हो। चलो मैं ना थोड़ा प्रॉपर मेजर के साथ इस बार ट्राई करने वाला हूँ। चलो 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 जा यार प्लीज पानी के अंदर प्रॉपरली। अरे यार फिर से मैं डुबकी लगा लिया, इस बार भी नहीं हुआ। एक और बार फिर से मैं ट्राई करने वाला हूँ, क्या मेरा ये होता है? चलो इस बार हो जाए यार, प्लीज भगवान जी हो जाए यार। लेट्स गो 3, 2 and 1। चलो मैं अभी भाई देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा लॉन्च लगाया हूँ। ओए पानी के अंदर देख सकते हो अभी मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, क्या बात यार, ये तो मिराकल वाली बात हो गई, मैं भाग भी सकता हूँ। अरे यार मैंने अभी एक जंप लगा लिया अब। अरे यार इसके बीच ना जंप नहीं लगाना, अगर आप जंप लगाते हो ना तो आपका ये भागने का सिस्टम जो है ना ये बंद हो जाएगा। रुको अभी मेरे दोस्त लोग भी ना शायद उसी के साथ ही आ रहे होंगे। रुको मैं फिर से एक और बार ट्राई करता हूँ, क्या मेरा ये चीज होगा एक और बार। अरे यार पानी के अंदर मैं फिर से आया पर इस बार भी देख सकते हो मैं तैरने लगा हूँ, पर मेरे दोस्त लोग, ये क्या है, इसने बिल्कुल प्रॉपर लैंडिंग करा यार पानी के अंदर, और देख सकते हो अभी वो पानी के अंदर भागते भागते अंदर जा रहा है। व्हाट भाई, इस तरीके से ना आप बहुत ही अच्छी तरीके से रैंक पुश भी कर सकते हो। आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि देखो दो दोस्त जो है मेरे ना वो पानी के अंदर जाके सिट पोजीशन में बैठे हैं, भाई वो भाग सकते हैं पानी के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से छुप के बैठे, पर यार मेरे से अब नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। बट भाई देख सकते हो वो दोनों अभी कितने अंदर है पानी के और वहां पर ना वो भाग रहे हैं, तैर नहीं रहे। देख भाई देखो वो दोनों ना पानी के अंदर अभी भाग रहे हैं, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा यार। पर चलो आप लोगों को भरोसा हो रहा है ना, आप लोग अभी गेम के अंदर जाना और ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट में आके बताना कि आप लोगों का ये पानी के अंदर भागने वाला सिस्टम काम करा या फिर नहीं। And hence the myth is confirmed. गेम पे एक ब्लू जीप है बहुत रेयर, जिसके हेडलाइट वुडन हाउस के आर पार हो जाते हैं। रुको भाई ये वही जीप है ना जो, हाँ यार ये ब्लू जीप है और इसके सामने जो हेडलाइट्स निकल रहे हैं, रुको ये येलो वाले इससे भी तो हेडलाइट निकल रहे हैं पर ये वुडन हाउस के आर पार नहीं हो रहे। हाँ यार ये ब्लू लाइट जो है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, देख सकते हो जब ये ब्लू गाड़ी ऑन होता है तो इसके सामने जो हेडलाइट्स होते हैं तो ये इस वुडन हाउस के आर पार हो जाते हैं। हाँ यार बात तुम्हारा एकदम 101% सच है, देख सकते हो जब ये गाड़ी को अपन येलो करते हैं उसके सामने से भी हेडलाइट निकलते तो है पर ये आर पार नहीं होते। और हाँ बात तुम्हारा 100% सच है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। रैंक में बस 12 बार हीरोइक के बाद ओपी डाउन वेलोर टाइटल पैराशूट MP5 इमोड भी मिलेगा 1% पीपल लोग। रुको डाउन वॉयज टाइप का एक अपना सेक्शन है और इसमें अपने को 4 रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मुझे इनमें से एक रिवॉर्ड मिल चुका है जो के है इमोट, पर इसमें और 4 ओपी रिवॉर्ड्स हैं। एक है अपना टाइटल, दूसरा है अपना MP5, तीसरा है अपना पैराशूट, और भाई देखो तीनों चीजों ना बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और मुझे पता चला कि इसके लिए ना अपने को हीरोइक जाना पड़ेगा, तो जितने भी बार अपन हीरोइक जाएंगे अपना ये टाइटल अनलॉक होता जाएगा, जैसे कि 4 बारी अगर अपन हीरोइक गए तो ये ओपी सा पैराशूट अपने को मिलेगा, अगर 6 बारी अपन हीरोइक गए तो ये ओपी सा MP5 अपने देखने को मिलेगा, और अगर अपन 12 बार गेम पे हीरोइक गए तो भाई देख सकते हो अपने को क्या मिलने वाला है, ये डाउन वेलोर टाइटल, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा कूल है। अच्छा मुझे पता है आप लोगों को भी ये चाहिए होगा, तो अब हीरोइक लगाना स्टार्ट कर दो एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अगर गेम पे कोई प्लेयर बैग इक्विप करता है देन उसको सभी प्लेयर के बैग दिखते हैं, अगर प्लेयर खुद अनइक्विप कर देता है तो किसी के भी बैग उसे शो नहीं करते। एक काम करते हैं फिर इसी को टेस्ट ही कर लेते हैं, फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। मेरे पास देख सकते हो मेरा बैग है और अभी मैं चलता हूँ गेम के अंदर, देख सकते हो लॉबी के अंदर तो मुझे बहुत सारे लोगों को इधर बैग शो कर रहे हैं।
हाँ यार बात तो 100% सच है। एक काम करते हैं इसी चीज को ना चलते हैं गेम के अंदर जाके ट्राई करते हैं। इस वाले जगह पे देखो मेरे पास बैग है और मैं अपने टीममेट सबको पास बुलाता हूँ और इस वाले जगह पे देख सकते हो सबके पास बैग है। हाँ यार ये मुझे लगता है शायद ने सबना ना इक्विप करके लाया है अपना बैग। एक काम करते हैं जब इसको ना अपन अनइक्विप करेंगे तब अपने को पूरा का पूरा पता चलेगा। मैं भी आ चुका हूँ गेम पे और इसको चलो अनइक्विप करते हैं। तीनों के तीनों सेक्शन को ना अनइक्विप कर दें जिससे कि पता चलेगा कि एक्चुअली गेम के अंदर सबका अनइक्विप होता है या फिर सिर्फ मेरा ही होता है। देख सकते हो अपने पास अभी इधर बैग है नहीं और गेम के अंदर मैंने फिर से अपने चारों दोस्तों को बुलाया और ये क्या देख सकते हो यहाँ पर किसी के बैग पैक नहीं है। चारों दोस्तों को मैं अच्छे से देख रहा हूँ और इस वाले जगह पे किसी के पास भी एक भी बैग पैक नहीं है। तो बात तुम्हारा सॉर्ट का सच है नहीं हंस तो मैं दिसकन था। बहुत से लोगों के विश लिस्ट पे अब अपकमिंग इवेंट आइटम शो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रेयर वाले। वैसे क्या आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट बताना क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। वैसे हुआ है या फिर उसने कैसे करा है वो मुझे नहीं पता बट हाँ बी ए अवय देख सकते हो मेरे स्क्वाड में वो बंदा है और इसी के विशलिस्ट में मैंने कुछ ताज्जुब भरी चीजें देखी। देख सकते हो मैं उसकी विशलिस्ट सेक्शन पे आते ही मुझे एक सरबोर्ड एक बैट एक न्यू भाई ये कैसे गन्स है और ये मुझे नहीं लगता अभी तक गेम के अंदर आए हैं भाई। ग्रेनेड वॉल और न्यू वाला इमोट है ना ये ओ भाई ओपी इमोट और अपने न्यू कैरेक्टर्स भी इधर देखने मिल रहे हैं और अवतार भी देखने मिल रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे क्या कुछ नहीं है अवतार बैनर न्यू कैरेक्टर भाई ओके ये ओपी चीज है। वैसे आपके किसी दोस्त के अंदर मतलब विशलिस्ट के अंदर अगर देखने मिला हो देन मुझे आप लोग नीचे कमेंट पे बताना या फिर इंस्टा पे स्टोरी टैग कर सकते हो मैं देखूंगा और उसको रीपोस्ट भी करूंगा। एंड नाउ बात तुम्हारा सॉर्ट का सच एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो मजा आ गया प्लीज देन प्रेस दैट लाइक बटन। आशा करता है 9999 लाइक्स के लिए मुझे पता है आप सब लोग कर दोगे आप सभी बहुत ही ज्यादा प्यारे हो यार तो प्लीज कर दो यार भाई का दिल मत दुखाना प्लीज मत दुखाना। और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करो अगर ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने तो। मैं बताऊं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।